नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड सर्कल का जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है 26 दिसंबर को, उसकी आंसर की के बारे में। हमारे पास सीरीज़ बी का ये क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि आप सभी देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, ये हमें भेजा था हमारे एक मित्र ने। तो फिर हम शुरू करते हैं इसकी आंसर की। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एक है आपका, व्हाट इज़ द फीस पेबल फॉर एक्नॉलेजमेंट कार्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल। तो नो फीस इज पेबल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, इंश्योर्ड में नहीं होती है फीस। और अगला है, रजिस्टर्ड आर्टिकल में क्या एक्नॉलेजमेंट होगी। तो पहले का डी है, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी है, ₹3, रजिस्टर्ड में ₹3, इंश्योर्ड में ₹0। क्वेश्चन नंबर तीन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ अ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। तो ऑप्शन नंबर बी 7 kg राइट आंसर रह जाएगा आपका। और वेयर शुड द पोस्टेज स्टैम्प अफिक्स्ड ऑन द एड्रेस साइड ऑफ एन आर्टिकल। तो राइट हैंड टॉप अपर कॉर्नर, ठीक है, राइट हैंड अपर कॉर्नर, ऑप्शन नंबर A 4 का। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द क्वार्टरली रेंट ऑफ अ पोस्ट बॉक्स। तो ₹50 इसका राइट आंसर रहेगा, 5 का A। 6 है हमारे पास, मैक्सिमम जो लिमिट है सम एश्योर्ड की पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में वो क्या रहती है। तो 50 लाख राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका सर क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस। ठीक है, तो ये काफ़ी सर्कल्स में पूछा गया है। तो 30 ट्रांजेक्शन एक बेनिफिशियरी के द्वारा एक सिंगल कैलेंडर ईयर में आप कर सकते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, वेयर द लाइसेंस ऑफ, ठीक है, कब लाइसेंस ऑफ बिजनेस रिप्लाई सर्विस जो है उसको आप वो करेंगे, रिन्यू करेंगे। तो इन अप्रैल में करेंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 9, 9 का आपका इस आंसर रहेगा डी। ठीक है, तो कौन सा पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड इन ऑन ए लाइन ऑफ थ्रू मेल कम्युनिकेशन एंड रिसीव एंड सॉर्ट बैग्स विदाउट ओपनिंग इट। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, ट्रांजिट ऑफिस होते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर ट्रेवलिंग ऑफिस ऑफ द रेलवे मेल ऑफिस। ठीक है, तो वो ट्रांजिट सेक्शंस होते हैं ट्रैवलिंग में, ट्रैवलिंग ऑफिसेस। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्ट्रेट कौन सा होता है, सेंट्रल बैग, सेंट्रल बैग ऑफिस। ठीक है, काफ़ी पूछा गया ये इस बार ये एग्ज़ाम में। और क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्रिप फ्रॉम द हेडक्वार्टर। ठीक है, फ्रॉम हेडक्वार्टर होगा आउट ट्रिप। ठीक है, हेडक्वार्टर के लिए अगर आ रहे हैं तो वो इन ट्रिप होगा, हेडक्वार्टर से जा रहे हैं सेक्शन की ओर तो वो आउट ट्रिप होगा। ठीक है, तो राइट आंसर भी वही है, आउट ट्रिप, ऑप्शन नंबर सी है, आई थिंक बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, एसओ स्लिप इज सेंट बाय विच ऑफिस। ठीक है, एसओ स्लिप भेजी जाएगी हेड पोस्ट ऑफिस से एसओ को। आगे है, ए ऑर्डर प्रिस्क्राइब चेंज इन सॉर्टिंग लिस्ट, कौन इशू करता है ए ऑर्डर को। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस करते हैं कोई भी अगर चेंज करना हो सॉर्टिंग लिस्ट में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 है, द एक्टिविटी ऑफ अरेंजिंग द आर्टिकल विद द एड्रेस साइड अपवर्ड एंड द एड्रेस टर्न्ड इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड फेसिंग। ठीक है, फेसिंग कहते हैं एक साइड एड्रेस वाला जो आर्टिकल में साइड होती है वो एक साइड लगाने को। ठीक है, हाउ मैनी मेंबर्स इन देयर पोस्टल सर्विस बोर्ड। तो 6 मेंबर होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के 6 मेंबर्स हैं। 16 का ऑप्शन नंबर ए, 15 का ऑप्शन नंबर ए। 17 में जाएंगे, पोस्ट ऑफिस विच रिमेन ओपन संडे एंड हॉलीडेज बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आर आर नोन एज नाइट पोस्ट ऑफिस। ठीक है, संडे और हॉलीडेज को यही खुले रहते हैं। और व्हाट आर द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, 5 आवर्स। 18 का सी राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे 19 पे, लेटर बॉक्सेस मार्क्ड लेटर ओनली, तो उनमें लेटर एंड पोस्ट कार्ड भेजे जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा 19 का। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ प्राइवेट इनलाइन लेटर कार्ड, तो 5 ग्राम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल कैन गेट थ्रू द पोस्ट बॉक्सेस, ओनली फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द पोस्टेज चार्जेबल व्हेन द पोस्टेज इनसफिशिएंटली पेड ऑन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। ठीक है, तो इक्वल टू द डेफिशिएंसी लिया जाएगा, इनसफिशिएंटली पेड है क्योंकि ये, ठीक है, और ये ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोहिबिटेड आर्टिकल,
फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन बाय इनलैंड पोस्ट। ठीक है, प्रोहिबिटेड कौन सा है इनमें से? प्रिंटेड मैटर भेज सकते हैं आप, न्यूज़पेपर भेज सकते हैं, मैगजीन्स भेज सकते हैं, इंडेसेंट फोटोग्राफ नहीं भेज सकते। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का है, मैक्सिमम रिमिटेंसर IMO के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी 23 था वो, क्वेश्चन नंबर 24 है ये। 24 का डी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 50,000। QR का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर बी। 25 का फीस फॉर रिकॉल ऑफ एन पोस्टल आर्टिकल, तो 6 रुपये है इनलैंड आर्टिकल्स, है ना, फॉरेन में आपका 30 हो जाता है। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ अ बुक पैकेट? बुक पैकेट का अधिकतम वेट है 5 kg, 27 का। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ अ रजिस्टर्ड पार्सल बुकड इन अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस? रजिस्टर्ड पार्सल ब्रांच इन बुकड इन अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, तो 10 kg ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस के लिए, बाकी के लिए 20 kg। ठीक है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट डिनोमिनेशन एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर? IPO 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 30 का डेमोरेज चार्ज कब से लगते हैं? विलंब शुल्क कब से लगना शुरू हो जाता है वैल्यूएबल आर्टिकल में? तो वो है 7वें दिन से, 7 दिन बाद। ठीक है, तो आगे है हमारे पास मैथ सेक्शन इसमें। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 राइट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर ए। 32, इन ए कंट्री 55 पॉपुलेशन इज फीमेल, 80% ऑफ द मेल पॉपुलेशन इज लिटरेट, हाउ मच ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट इन टोटल? लिटरेसी इज 58%। ठीक है, तो इसमें डी राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, सॉरी अगर कोई भी गलत हो जाए तो आप बताइएगा। ठीक है, 33 पे आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। 34 पे आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। 35 पे आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। 36 पे आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। 37 पे आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। 38 पे आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और 39 पे आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। देख रहा है? हाँ जी। ठीक है, 39 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, और क्वेश्चन नंबर 40 पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 25%। ठीक है, अब 41 क्वेश्चन नंबर है आपका, इन विच प्लेस द हाईएस्ट रेनफॉल इज रिपोर्टेड? तो ये मानिसराम में होता है, म्यांमार में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 41 का। 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, 42 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया? ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो है इंडिया की, 42 क्वेश्चन नंबर, वो है डिगबोई। ठीक है, तो आगे है, इन इंडिया द प्रेजिडेंट गिव्स रेजिग्नेशन टू वोम? तो राइट आंसर है वाइस प्रेजिडेंट, ऑप्शन नंबर सी 43 का। हाउ मैनी टाइप ऑफ एमरजेंसी हैज़ बीन विजुअलाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये 3 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका 44 के लिए। द प्ले नील दर्पण इन एसोसिएटेड विच विद विच ऑफ द फॉलोइंग रेवॉल्स? नील दर्पण नाटक का संबंध निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह किससे है? विद्रोह से है। तो ये है इंडिगो विद्रोह, नील विद्रोह। ठीक है, नील। तो हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? ठीक है, यहाँ पे देखने की बात है, लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल थे, 46 का। लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट? तो वो प्रमोशन है। ठीक है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट की आंतरिक भर्ती का स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो एम्प्लॉय एक्सचेंज नहीं है, ये बाहर है क्योंकि किसी और से एक्सचेंज कर रहे हो आप, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ट्रेड यूनियंस नहीं है, प्रमोशन है कि आपके पास एक सीट है, आपने अपने ही एम्प्लॉयज में से उनको प्रमोशन दे के वहाँ पर भर्ती कर ली। 48 क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, फेयरनेस ऑफ प्रोसेस इज क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को निष्पक्षता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो वो है प्रोसीड्यूशियल जस्टिस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, फेयरनेस। ठीक है, जो प्रोसीड्यूशियल जस्टिस है, प्रक्रियात्मक न्याय, उसमें फेयरनेस होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए वो है ये क्लासिफाइड, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और आगे है हमारा अगला क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय द फेमस हिंदी स्टोरी
राइटर मुंशी प्रेमचंद्र, तो गाइड इसका राइट आंसर है, गाइड इन्होंने नहीं लिखी है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्रेस हैज़ प्लेड द लीड रोल इन द हिंदी फिल्म द बैंडेड क्वीन, तो इसका राइट आंसर है सीमा विश्वास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीमा विश्वास, बैंडेड क्वीन एक मूवी थी जिसमें वो उन्होंने एक फूलन देवी का रोल प्ले किया है। ठीक है, काफ़ी अच्छी मूवी है। बाकी ये था आपका आंसर की यूके सर्कल, उत्तराखंड सर्कल सीरीज बी है हमारे पास ये जो इस वक्त मौजूद है। ठीक है, तो ये हमने बना दिया, बाकी आप लोग अपना चेक कर सकते हैं, इसी में से क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार अगर इस चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक सर्कल की जैसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, सारी आंसर कीज़ मिल जाएगी, और बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट भी मिलेगा आने वाले समय में, और पहले भी आता रहा है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।